स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पाल। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली दंगा केस में पुलिस को क्या क्या लीड मिली और कानून के हाथ दंगाइयों के कितने करीब हैं और 16 विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं आज संसद में राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था और यहां पर कड़ी कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। सड़क को बैरिकेडिंग के जरिए बंद किया गया है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर जो पुलिस की तैनातगी है बढ़ा दी गई है और इस इलाके में पुलिस की नजर कड़ी है और इसकी वजह आप जानते हैं क्या है, क्योंकि लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से 26 तारीख को हंगामा हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद से पुलिस सतर्क है और पुलिस यहां पर अपनी मुस्तैदी साफ कर रही है कि किस तरह से यहां पर फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। और देखिए यहां पर जो आप ये देख रहे हैं कि एक तरह से जो अर्थ मूवर्स होते हैं उनको लाया जा रहा है ताकि अगर कहीं पर कोशिश होती है कुछ हालात को बिगाड़ने की तो इनके जरिए उसको रोका जा सके। और साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो सीमेंट के पाइल्स होते हैं उन्हें भी रखा जा रहा है ताकि जो ट्रैक्टर या किसी भी जरिए यहाँ से आगे कोई जा ना सके। तो पुलिस की मुस्तैदी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं। बिल्कुल अमित, पुलिस ने हर पुरजोर कोशिश की है कि कोई भी सुरक्षा घेरा के अंदर प्रवेश न कर पाए। बहरहाल मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। विजय, तस्वीरों में हम देख रहे हैं विजय लक्ष्मी की किस तरीके से पुलिस ने वहां पर तैयारी की है, सुरक्षा को और पुख्ता कर लिया है। फिलहाल वहां से क्या अपडेट है, क्या अभी भी वहां पर किसान मौजूद है, कितनी संख्या में है और सुरक्षा से जुड़ा क्या अपडेट आपके पास? देखिए सुरक्षा, जिस तरह से आपने बताया कि बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। कल रात से ही जो है वो डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस पर्सनल का वो बढ़ा दिया गया था। बहरहाल आज दिन में एक पंचायत होगी, 81 पंचायतों की एक महापंचायत होगी जिसमें आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो किसानों की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। तो बहरहाल आज जो नज़रें हैं वो यही कहा जा रहा है कि जो पंचायत होगी उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है उस पर निर्भर करेगा। बहरहाल सिक्योरिटी जरूर यहां पर बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग जो है उसमें भी बैरिकेड्स भी जो है वो लगाए गए हैं जगह जगह पर ताकि जो मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा, अभी यहां पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कल रात को हमने जिस तरह से देखा था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल तमाम बॉर्डर्स जहां पर बैठे हुए हैं विजयलक्ष्मी पर जो सिक्योरिटी, कल हमने देखी थी तस्वीरें कि वहां से बहुत सारे जो टेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वो वापस चली गई थी। फिलहाल आज क्या वहां पर हालात है? देखिए अभी तो अमित मैं कहूँ जस का तस है, मतलब रात में ज़रूर इस तरह का एक्टिविटी था लेकिन अभी कुछ इस तरह का बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह भी कल हमने देखा था वहाँ पर लोकल्स ने जाके प्रदर्शन किया था, वो चाहते थे कि एक रास्ता खाली कर दिया जाए, क्या उसको लेकर भी आज कुछ ऐसा प्रदर्शन होगा या कि सिर्फ जो महापंचायत है वही हो रहा है? देखिए इस तरह के प्रदर्शन जो हैं वो लोकल्स की तरफ से तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हुए हैं और यहाँ पर सिंघू बॉर्डर की मैं बात करूँ तो आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि काफ़ी दिक्कतें उनको हो रही है क्योंकि रास्ता काफ़ी दिनों से ब्लॉक है, इसको लेकर के जो है जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन कल किया गया था। अब आज देखना होगा अमित, क्योंकि लोग ये बात तो कह रहे हैं कि प्रदर्शन से जो है वो दिक्कतें तमाम तरह की हो रही हैं, खासतौर से ट्रैफिक, और इसके अलावा सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जो आसपास की जो पूरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं उससे बाधित हो रही है, रुकी हुई है और यही कारण है कि लोग बीते कल प्रदर्शन करने आए थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी। और अब